हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। आज असी न्यू चैप्टर स्टार्ट करांगे, अपना 8th क्लास दा 11th चैप्टर स्टार्ट करांगे। चैप्टर नेम इज फोर्स एंड द प्रेशर। ठीक है बेटा, फोर्स की होंदी है ते प्रेशर की होंदा है, ये चीज़ पढ़नी है। फोर्स तुहानू पता ही है, डेली लाइफ दे विच असी फोर्स यूज करते हैं अपन। ठीक है, तुसी छोटे तो छोटा काम भी करना है उहदे विच तुहानू थोड़ी जी फोर्स लगानी पैंदी है। ठीक है, अपनी अपनी बॉडी की। ओके, और जिस तरह तुसी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल सकी हैं, जदों असी आपां अपने घर का दरवाजा जिहड़ा उहनू खोलदे हां उह च भी साडी फोर्स लगती है, पुश करते हैं पुल करते हैं उह च साडी फोर्स लगती है। ठीक है, किसी बॉल नू किक मारदे हां उह च तुहाडी फोर्स लगती है। सो बहुत सारिया एग्जाम्पल्स इदा दी हैगियां जिहड़ी डेली लाइफ दे विच यूज़ करते हैं तुसी। ठीक है, हुण उहदे विच सब तो पहला असी पढ़ांगे कंसैप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का कंसैप्ट की हुंदा है? ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग सिचुएशंस। मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल। ठीक है, ओपनिंग ए डोर, लिफ्टिंग ए बकेट फिल्ड विद वाटर, ओपनिंग ए ड्रॉअर, किकिंग ए फुटबॉल एंड हिटिंग द बॉल विद द बैट। सो ये जिन्हें भी काम हो रहे हैं इन्ह सारे में थोड़ी फोर्स लग रही है। ठीक है, ईवन की कहता जो बुक टेबल पर पई आनूँ मूव करना है वो थोड़ी फोर्स लगेगी। जे तुसी दरवाज़ा खोलना है उस थोड़ी फोर्स लगेगी। जे तुसी पानी की बाल्टी चुकनी है भरी हुई, ठीक है, उस थोड़ी फोर्स लगेगी। ईवन कि तुसी अपने टेबल का ड्रॉअर खोलना है उस भी थोड़ी फोर्स लगेगी। सो ये सारिया एग्जाम्पल्स आ जिहड़ियां तुसी कर देख सकते हो, और आप डेली लाइफ के चीज़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, कहते व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल थिंग्स ऑल सिचुएशंस। इन ऑल दीज सिचुएशंस आइदर ए पुश और पुल इज इनवॉल्व टू मूव द बुक वी पुश इट और पुल इट। कहिंदा ये सारिया चीज़ों के। ठीक है, सारिया कॉमन सिचुएशंस के कहिंदा जां असीं पुश करांगे जां असीं पुल करांगे। ठीक है, हुण डोर खोलांगे उहनूं पुश करांगे जां पुल करांगे। ओके, फुटबॉल नूं किक करांगे उहनूं पुश करांगे। सो टू मूव एन ऑब्जेक्ट नाइदर आइदर ए पुश और ए पुल इज इनवॉल्व। ठीक है, हुण कोई भी ऑब्जेक्ट नूं मूव कराउणा है उहदे विच जां पुश होगा तो जां फिर की होगा पुल होगा। अंडरस्टूड, ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ओके बेटा, वेट ए मिनट स्टूडेंट्स प्लीज। वेट अ मिनट। ठीक है, नोबडी विल डिस्टर्ब अस। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है इन द टॉपिक। सो यदि डेफिनेशंस बेटा ये होगी, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड द फोर्स। ओके, सो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। फोर्सेस जड़ियाँ लगदी होंगे वो कातों लगदी होंगे ड्यू टू इंटरैक्शन। इफ अ बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन इटसेल्फ अनलैस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अपलाइड ऑन। कहिंदा जी टेबल दे उपर किताब पई आ जरूरी नहीं हैगा कि सॉरी तद तक नहीं वो मूव करेगी जब तक तुसी की कहिंदे आ उहनूं जां पुश जां पुल करोगे। ठीक है, टू ब्रिंग द बुक इन मोशन वी हैव टू इंटरैक्ट टच विद द बुक। जे उहनूं बुक नूं तुसी मोशन विच लैके आउणा, ठीक है, तो तुहानूं की करना पवेगा उहदे नाल कॉन्टैक्ट होना पवेगा। सपोज कर लो आ बुक आ, ठीक है, और इहनूं मैं मूव करना चाहुंदा आ। ठीक है, मैं फोर्स इधरों लगावा चाहे इधरों लगावा चाहे इधरों जिधर भी तुसी फोर्स मर्जी लगाना चाहते हो, जब तक मैं इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा तद तक ये बुक जिहड़ी पोजिशन है यदि बुक की चेंज नहीं होगी। ओके, सो वी कंक्लूड दैट विदाउट एन इंट्रैक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अपलाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहिंदा जब तक असी उस किसी भी चीज़ नाल इंट्रैक्ट नहीं करांगे, ठीक है, तद तक तुसी उहनूं मूव नहीं करवा सकते जां उहदी पोजिशन नूं चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगे आ जाए अफैक्ट ऑफ फोर्स। अफैक्ट ऑफ फोर्स की है? फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहिंदा फोर्स जिहड़ी आ इक मोशन क्रिएट करदी आ पैदा करदी आ कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच। जिदा कि आ जिहड़ा बॉक्स आ ये पिया होया एक अपनी जगह ते, इहनूं एक बंदा अपने अपने वल्लों फोर्स लगा रहा है ताकि ये मूव हो जाए।
अंडरस्टूड है। सो फोर्स की करती है, मोशन पैदा करती है कोई भी खड़े ऑब्जेक्ट के विच, जिहड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। कहिंदा बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, यू कैन मूव इट बाय अपलाइंग फोर्स, पुश और पुल। सिमिलरली यू कैन अप्लाई फोर्स टू पुश अ चेयर, मूव इट टॉय कार और मूव ए बाईसाइकल। किसी भी चीज़ नूं तुसीं मूव करना ना बेटा, उस नूं तुहानूं अपनी फोर्स लगानी पएगी। अगर तुसीं उहदे नाल फोर्स तां लगेगी जे तुसीं उहदे नाल कॉन्टैक्ट बनाओगे, आपां उहनूं टच करोगे, ठीक है। और तां ही उहदी जिहड़ी पोजिशन चेंज होगी, अपनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस उह चीज़ मूव करेगी। ओके बेटा, सो आ कुछ एग्जाम्पल्स दित्तियां हुई, ठीक है। सो However, it is not necessary that a force always make a stationary object move. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਯੂਅਰ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ पुश लगाओ, क्या मूव करेगी, नहीं करेगी, इट विल नॉट मूव। सिमिलरली वैन यू ट्राई टू पुश ए ट्री इन यूअर गार्डन, तुहाडे गार्डन दे विच ट्री लगा तो मूव करेगा, नो। सो दिस इज़ बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज़ नॉट सफिशेंट टू मूव द वॉल आउट, कहिंदा वह जिहड़ी तुहाडी फोर्स जिहड़ी सफिशेंट नहीं हैगी, वह इन्नी नहीं हैगी कि तुसीं उस चीज़ नूं मूव करवा सको। ओके बेटा, फोर्स कैन स्टॉप, ये आप इफेक्ट्स ऑफ फोर्सिस पढ़ रहे हो बेटा, पहला भी इफेक्ट आ पढ़िया सीगा, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स नूं मूव कर दी फोर्स। दूजे नंबर ते आपां पढ़ांगे फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, हुण कहिंदा जे कोई चीज़ मूव कर रही है तुहाडे वल नूं आ रही है, तुसीं उहनूं रोक सकदे आ, रोक सकदे आ किद्दां, अपनी फोर्स लगा के। जिद्दां कि एग्जाम्पल्स लै लो, कहिंदा वैन ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू वा द गोल, गोल वल नूं फुटबॉल प्लेयर किक लगा रहा है और जिहड़ा गोलकीपर होगा उसनों अपनी फोर्स लगानी पाऊगी ताकि वह बॉल नूं की कर सके, स्टॉप कर सके, ठीक है। कहिंदा सिमिलरली यू अपलाई द ब्रेक्स द मूविंग बाईसाइकल स्टॉप्स, ए मूविंग बॉल कैन स्टॉप ऑन इट्स ओन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ए मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू द रेस्ट वैन यू अपलाई फोर्स विद योर हैंड्स। सो कोई तुहाडे वल नूं बॉल सुट रहा जब प्लेयर्स खेड रहे हैं क्रिकेट, बैट्समैन ने शॉट लगाया और तुसीं उसनूं अपनी फोर्स नाल उस बॉल नूं रोकिया, ठीक है। सो स्पिनिंग टॉप कैन स्टॉप बाय फोर्स एग्जर्टेड बाय योर हैंड, सो फोर्स स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। सो जो ये एग्जाम्पल सीगियां जिहदे विच जिहड़ी फोर्स आ वह भी एक ऑब्जेक्ट नूं रोकण वास्ते फोर्स का होना बहुत जरूरी है। तीजा की है, कहिंदा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैन ए बैट्समैन हिट्स द बॉल विद इज बैट, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस, बॉलर ने बॉल कराई, बैट्समैन ने शॉट लगाया, उन्हें की किया वो जी डायरेक्शन होना देखा बैट्समैन आ, ठीक है, बॉलर ने बॉल कराई और इन्हें शॉट लगाया, देखो डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर भी लगा सकता, इधर भी लग सकता, इधर भी लगा सकता। ओके बेटा, सो सिमिलरली वैन ए टेनिस प्लेयर्स रिटर्न्स ए सर्विस ही शी यूज फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ बॉल, टेनिस प्लेयर्स भी उहदे वल नूं किसी ने शॉट लगाया, ठीक है, उन्हें वापस फिर उसनों अपनी फोर्स यूज़ करके दोबारा उन्होंने इस पोजिशन जी चेंज की है। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। चौथा हैगा बेटा, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वैन ए परसन पुशिज अ मूविंग स्विंग इट मूव्स फास्टर, ठीक है, and when he she pulls the swing in opposite direction it slows down. So similarly when more force is applied on the pedal by cyclist the speed of the cycle increases. ek cycle chala rahe ho je tusi onu zyada zor di ghumaoge force apni lagaoge to ohdi speed jehdi cycle di increase kar jugi. So force can change the speed of the moving object, theek hai. hun is tarah hi aha ya ek jehdi sab to pehli example layi hai स्विंग जिहड़ा उन्हें लिया सीगा और उहदे विच कहिंदा कि तुसी किसी नूं भी जिहनूं असीं पंजाबी च कहिंदे आ झूटे दे रहे हैं, ठीक है, अपनी फोर्स लगा के उहनूं पहलां अग्गे भेज रहे हैं, जो बहुत तेज चल पिया उहदी स्पीड होगी, यही बच्चा तुहानूं कभी रोकना आ ते तुसी उहनूं स्लो स्लो करके रोकोगे, यकदम नहीं रोक सकदे, उह भी तुहाडी अपनी फोर्स लगेगी।
फिफ्थ इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण तुसीं अपनी फोर्स नाल कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जिदा कि एग्जाम्पल पेपर का तुसीं बोर्ड बनाने से छोटे बच्चे होंगे। ठीक है, फिर उस तो बाद तुसीं आटा गुंदे हो, उहदी कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। फिर उस तो बाद सुबह असी रोज़ क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना, असी उहदी शेप चेंज कर सकते हैं उस ट्यूब की। सो तुहाडी फोर्स कोई भी पोजिशन कोई भी शेप जिहड़ी उह चेंज कर सकती है। ठीक है बेटा, नैक्सट आएगा उस तो बाद फोर्स कैन डिस्क्राइब बाय सेट स्टेटिंग इट्स मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन इन विच रिजेक्ट्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मैगनीट्यूड और अप्लाई फोर्स चेंजेस। ठीक है, वह की करता है फोर्स जो चेंज करती डायरेक्शन चेंज करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वह मैगनीट्यूड चेंज करता है। जिधर फोर्स लग मैगनीट्यूड वो डायरेक्शन चेंज होगी तो वह मैगनीट्यूड चेंज हो गया, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बाय स्पीड्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसिडर टू बी स्टेट इफ इट स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ खड़ी है अपनी जगह पर, जिदा बाइसाइकिल खड़ा है, ठीक है बेटा, तो यदि जी स्पीड की होगी जीरो होगी। जे तुसी इन फोर्स लगाओगे ये मूव करूगा पैडल्स ना, ठीक है, दैन उसकी स्पीड जी हो फोर्स नाल इनक्रीज होगी। ओके बेटा, यूनिट्स ऑफ फोर्स की है, एस आई यूनिट जो फोर्स आ वो न्यूटन आए वन मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हें आ सकता। ठीक है, डिनोटेड बाय लैटर एन टू फील हाउ मच फोर्स वन न्यूटन इज प्लेस ए 100 ग्राम वेट ऑन ए पाम। ठीक है, अंडरस्टूड। हुण हाथ ते तुसी कहिंदा बेटा हाथ अपने ते 100 ग्राम की कोई चीज़ लगी है, रखी है। ठीक है, हुण उस वो जिहड़ी आ इसका जिहड़ा वेट होगा, ये फोर्स कित्थे लग रही है, थले नूं लग रही है, थले डिक्शन। ठीक है, अंडरस्टूड। सो कहिंदा द फोर्स एग्जर्टेड बाय 100 ग्राम वेट ऑन द पाम इज़ नियरली 1 न्यूटन। वैन यू प्लेस अ 200 ग्राम वेट ऑन योर पाम एक्सपीरियंस 2 न्यूटन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ठीक है, वो फोर्स चाहिए, इन्नी फोर्स चाहिए है जो तुम 1 किलो भार चकना वर्टिकली अपवर्ड, इस कार का 1 किलोग्राम फोर्स, उसनों असं की बोलते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर होता 9.8 न्यूटन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद रखना है। ओके ओके बेटा, नैक्सट आएगा रिजल्टेंट फोर्स, जिसे नैट फोर्स असी बोलते हैं। ठीक है, नैट फोर्स की होती है, इन रियल लाइफ सिचुएशंस मोर दैन वन फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन मोर दैन वन फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। जिदा कि प्रशांत इज पुशिंग ए हैवी बॉक्स हैविंग व्हील्स लुक लाइक ए कार विद ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। 40 न्यूटन जी प्रशांत फोर्स लगा रहे, यू फाइंड इट्स वेरी हैवी अनएबल टू मूव इट फास्टर। बट ओह कि प्रशांत की कर रहा, प्रशांत ने 40 न्यूटन फोर्स लगाई। ठीक है, इस बॉक्स से। ओके, और बट वो मूव नहीं कर पा रहा। फिर वह उन्हें अपने फ्रेंड ने बुलाया जिदा ना दीपक है, दीपक ने उसकी हेल्प की और उसने अप्लाई फोर्स की 50 न्यूटन। दीपक ने कितनी की 50 न्यूटन बेटा। ओके, और जो 50 न्यूटन उन्हें अप्लाई की, ठीक है, सेम डायरेक्शन दोनों ने एक पास में सेम डायरेक्शन किया, हैवी बॉक्स स्टार्ट मूविंग फास्ट, तो जो जो बॉक्स है वो की करना मूव करना शुरू हो गया। वट इज़ द टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कितनी लगी, इन तुसी प्लस कर लो। टोटल फोर्स बेटा कितनी आ गई प्लस करके 90 न्यूटन आ गई। ओके बेटा, अंडरस्टूड। सो इस तरह असी टोटल फोर्स भी कर सकते हैं। द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन हैवी बॉक्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। तो जेडी फोर्स वो टोटल बनी है, ठीक है, दोनों बच्चों ने लगाई है उस बॉक्स से, ठीक है, उस फोर्स नूं असी की बोलते हैं, जो ताडी आपां उहनूं प्लस कर दिता तो रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं असी। अंडरस्टूड आ, तो रिजल्टेंट फोर्स इज सिंगल फोर्स, फिर वो एक फोर्स बन गई ना, इज़ अ सिंगल फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट
एंड वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द सेपरेट फोर्सिस एक्टिंग अपॉन इट। वो पहला एक बंदा फोर्स लगा रहा सीगा, उसका इफेक्ट तो बाद दो जने इकट्ठे हो गए, ठीक है, वो दोनों का इफेक्ट जो सेम होंगे है। अंडरस्टूड बेटा? सो वी कंक्लूड द एलिमेंट टू फोर्सिस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन द रिजल्टेंट फोर्सिस कलेक्टेड कैलकुलेटिंग कैलकुलेटेड बाय एडिंग द फोर्सिस। कहिंदा जदों दो फोर्सिस एक डायरेक्शन लग रही हैं, का बंदा ते का बंदा, दोनों फोर्सिस एक डायरेक्शन लग रही हैं सेम डायरेक्शन, तो द रिजल्टेंट फोर्स किदां कढ़दे हां असीं उहनूं, असीं ये दोनों फोर्स जिहड़ियां उह ऐड कर दिंदे हां जिहड़े दो बंदे ने लगाई सी। हुण सपोज कर लो, नैक्सट एग्जाम्पल दिती है इन्हें, कहिंदा प्रशांत एंड दीपक हैड एन आर्गूमेंट, दीपक रिफ्यूजस टू हैल्प द प्रशांत। फिर कहिंदा अगली बारी दीपक ने, ठीक है, उन्हूं है उहदी हैल्प करन तो मना कर दिता। ही स्टार्टड पुशिंग द हैवी बॉक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय अपलाइंग 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है, सिंस बोथ द फोर्सिस अपलाइड द सेम ऑब्जेक्ट बट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके बेटा, बट द रिजल्टेंट फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस ऑफ द फोर्स। हुण देखो, प्रशांत लगा रहा 40 न्यूटन और जिहड़ा दीपक लगा रहा वह भी 40 न्यूटन, बट हुण दोनों जने ऑपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं, एक जना इधरों लगा रहा, एक जना इधरों लग रहा, बट जो इधरों लगा रहे दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हुए, इट मीनस फोर्स जीरो माइनस हो जानी, रिजल्टेंट फोर्स निकल जानी इतने भी साढ़े को। ओके, सो बॉक्स डू नॉट मूव, सो वी कंक्लूड एलिमेंट टू इक्वल फोर्सेज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो एंड ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव। ओके बेटा, सो जो ऑब्जेक्ट आ मूव नहीं करेगा, ठीक है जी। सो नैक्सट आएगा सच फोर्सिस आर सेट्स टू बी बैल, इस करके इन्हों फोर्सिस नू, इस फोर्स में जी बराबर फोर्स लग रही है दोनों पासों, ठीक है, इस फोर्स में असं बैलेंस फोर्स भी बोलते हैं असं, ठीक है जी। हूँ जे इन क्या एक होर एग्जाम्पल है जिन्हें जो डिफरेंस होंगे, ठीक है, जे ये 50 न्यूटन लगा रहा है दीपक, तो आ 40 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है, तो 50 माइनस 40 किन्ने हो गए तुहाडे कोल, ठीक है, 10 न्यूटन निकलना तुहाडा आंसर। ओके बेटा, रिजल्टेंट फोर्स किन्ने निकलने, 10 न्यूटन। कहिंदा व्हेन द टू इनइक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट फोर्स रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, इट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। कहिंदा ये जिहड़ी चीज़ उधर नूं मूव करेगी, जिहड़ा बंदा उहदे ऑपोजिट मूव करेगी, हुण आ जे दीपक 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके बेटा, और प्रशांत की फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है। हुण जे आ 50 लगा रहे तो आ 40 लगा रहे, इट मीनस जिदन ज़्यादा फोर्स जिहड़ा बंदा ज़्यादा फोर्स लाऊगा वो ही मूव करवा सकूगा इन्हें। ओके बेटा, सो कहता हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार, टग ऑफ वार गेम तुम सुनी होनी, या रस्सा खिंचते हैं टग ऑफ वार, रोप न खिंचते होंगे, ठीक है, वनू दोनों साइड्स तो, सो जिहड़ी टीम ज़्यादा फोर्स लगाऊगी वह जिहड़ी टीम वो विनर होगी। ओके बेटा, सो अनबैलेंस्ड फोर्स कि होंगी है, कहिंदा समटाइम्स द रोप सिंपली डू नॉट डज नॉट मूव, दिस इज़ वन टू फुल टू टीम्स बोथ द टीम्स पुल द रोप इन द ओन डायरेक्शन विद इक्वल फोर्स। जे दोनों टीम्स ए टीम एंड बी टीम इक्वल फोर्स लगा रही 100 न्यूटन आ खिंच रहे 100 न्यूटन आ फोर्स लगा दें तो बैलेंस फोर्स जिन्होंने आप कहे पहले दस किटे, तो जेकर ठीक है हूँ कहिंदा द टीम डैट पुल्स हार्डर, जी इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाती बी टीम ने, ठीक है, सो अपलाइज लार्जर फोर्स फाइनली इज द विंस द गेम, तो जितूगा कौन फिर बी टीम जितूगी। सो इस फोर्स नू अनबैलेंस्ड फोर्स कहने, जो दोनों विचों भी कोई भी ज़्यादा फोर्स लगा दिंदा क्योंकि बैलेंस थोड़ी हुई है तो अनबैलेंस्ड हो गई फिर। ओके, सो अनबैलेंस्ड फोर्सिस कैन मूव ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैन ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। एस आई यूनिट ऑफ फोर्स की होंगे बेटा, ठीक है, तुम फिल करना है खुद, वैन टू फोर्सिस एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स इज कैलकुलेटेड। सो बेटा ये तुम कंप्लीट खुद करना है। क्लासीफिकेशन ऑफ फोर्सिस की होंगी, नैक्सट आप पढ़ा टॉपिक।
क्लासीफिकेशन ऑफ फोर्सिस जी है कॉन्टैक्ट फोर्सिस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस कॉन्टैक्ट टू अंडरस्टैंड वट आर द कॉन्टैक्ट फोर्स लैट अस स्टडी द फॉलोइंग केसिस ये भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कहता वैन यू पोल्ड ए कॉइल्ड स्प्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड टू वॉल एंड यू अप्लाई एन एफर्ट ऑन स्प्रिंग द स्प्रिंग गेट स्ट्रेस्ड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कहता किसी वॉल के ना स्प्रिंग अटैच्ड है ठीक है तुसी उन्हें अपने वाल खिंच रहे हो इधर नू ठीक है इस स्ट्रेक्शन तुसी खिंच रहे हो और इसनों की कहें कॉन्टैक्ट फोर्स मीनस तुसी उस चीज़ को पकड़ के खिंच रहे हो तुहाडा उस चीज़ नाल कॉन्टैक्ट आ ओके बेटा सैकेंड एक कहता वैन यू किक अ फुटबॉल पुश अ कार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स फिर भी कहता किसी चीज़ को तुसी खिंच रहे हो उन्हें फड़ के ही खिंचोगे सो इस कॉन्टैक्ट फोर्स जिन्हें तुहाडा कॉन्टैक्ट हो रहा है ठीक है और अपनी तुसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो उन्हें खिंचने वास्ते ठीक है पुल करने वास्ते सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सिस आर दैट एक्ट ओनली वैन द ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट द चेंजेस सम इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्सिस कि मस्कुलर फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स आ ठीक है मस्कुलर फोर्स हो जिस मसल्स की जी फोर्स लगती है जो कि जिद बकेट चक रहे हो पानी वाली ठीक है फुटबॉल में किक लगा रहे हो बाईसाइकिल राइड कर रहे हो ठीक है वो ये हैंड्स लैग्स ये सारे यूज़ हो रहे हैं मसल्स मीनस यूज़ हो रहे हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं ठीक है और जेड़ा तुसी अगे नैक्सट करोगे कहिंदा वेयर डज दिस फोर्स कम फ्रॉम ये फोर्स आँदी कितों है दिस फोर्स इज कॉज बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी कहिंदा जेड़े साडे मसल्स आ काम कर रहे हो बॉडी विच द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इस कारण मस्कुलर जिहड़े साडे मसल्स द्वारा फोर्स लग रही है उन्होंने असं मस्कुलर फोर्स बोलेंगे सिंस अवर बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट मस्कुलर फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स वी यूज मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग रनिंग पुशिंग पुलिंग लिफ्टिंग को ठीक है एनिमल लाइक एलीफेंट्स बलक्स परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज कैरिंग हैवी लोड्स प्लाफिंग फील्ड्स पुल कार्स ठीक है ये भी की मस्कुलर फोर्स लग रही है एनिमल्स की नैक्सट आ जाता फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती बेटा ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रैजुअली स्लोस डाउन एंड फाइनली कम्स टू डेथ ठीक है तुम देखो ना तो एक एक डायरेक्शन जी बॉल में फेंके आ ठीक है वह बॉल एक टाइम इदा का होगा वो खुद ही जाके जी रुक जाऊगी ठीक है ओके सो इसमें असं फ्रिक्शनल फोर्स लग रहे हैं जू फाइंड सो विजुअल फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द वॉल येट इट स्पीड्स ग्रेजुअली डिक्रीज एंड फाइनली इट्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम वट इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द वॉल इज एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल टू स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली स्टॉप इट ठीक है कहता हूँ की कारण आ ये बॉल जी खुद बर खुद एक टाइम पर जाके वो जी रुक गई है की बॉल आ ठीक है कहता इट इज़ द फोर्स ये जी इस फोर्स में असं की कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कोई बंदा फोर्स नहीं लगा रहा इन्हें रोकने वास्ते ठीक है इनू जमीन तो ठीक है जमीन के सरफेस तो फ्रिक्शन लग रही है ओके बेटा द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड ग्राउंड दैट अपोजिज द मोशन ऑफ द बॉल एंड ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू द रेस्ट ओके सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दोनों के जी फ्रिक्शन लग रही हो उस फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं यदि डेफिनेशन तुम कर सकते हो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सर्फिसिज इन द कॉन्टैक्ट दैट अपोजिज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओके बेटा ठीक है जी ये ऑलवेज इट ऑलवेज अपोजिज द मोशन ऑफ मूविंग कोई भी मूव ऑब्जेक्ट मूव कर रहा ग्राउंड पर ठीक है वो जी उत्ते जी थलो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी तो वो जी मूवमेंट स्लो करेगा ओके जी नैक्सट आ जाता बेटा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिज ठीक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस की होंगी है द फोर्स सम फोर्सिस डू नॉट हैव इनवॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट विद टू ऑब्जेक्ट कुछ फोर्सिस के फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होंगे ठीक है उसनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सिस बोलते हैं ठीक है वैन द फोर्स इज नॉट इन फिजिकल विद ईच अदर एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस जिदा एग्जाम्पल मैगनेटिक फोर्स कोई बंदा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मैगनेटिक फोर्स के एक बार मैगनेट आदि लग जो की करेगा आयरन अपने वाल की करेगा आयरन अपने वाल अट्रैक्ट करेगा ठीक है वैन यू ब्रिंग बार मैगनेट नियर द आयरन क्लिप डू नॉट टच द बार मैगनेट्स टू आयरन क्लिप्स आयरन क्लिप्स मूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन टू वर्ड द बार मैगनेट एंड इन्फ्लुएंस द मैगनेट ये कि फोर्स लगती है मैगनेटिक फोर्स लग रही है ठीक है
ओके बेटा, सो द नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन यू ब्रिंग ए प्लास्टिक कॉम क्लोज टू द हीप ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, नथिंग हैपन्स व्हेन यू रब ए प्लास्टिक। हम सपोज कर लो कहता तुसी एक प्लास्टिक कॉम आ कंघी है जड़ी, जो तुसी सिंपली पीस ऑफ पेपर दे लको लैके जाओ उन्होंने कुछ नहीं होगा, बट जे तुसी उसे प्लास्टिक नूं पहला अपने हेयरस दे विच रब करोगे, रब करके दैन उस पेपरस के कोल लैके जाओगे तो वो जो पेपरस वो वाल की करोगे अट्रैक्ट करोगे। सो इसनों असं इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ऑन रबिंग द कॉम गैट्स चार्ज, जो असी कॉम नूं रब किया अपने हेयरस के बच्चे तो उन्होंने चार्ज हो गया, सिंस द चार्ज इज प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग अ कॉम एंड रिमेन्स देयर विदाउट एनी मूवमेंट, इट इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते असं उन्हें। सो द फोर्स एग्जर्ट बाय चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और एन अनचेंज्ड अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। सो ठीक है, जो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज आ गया ये तो दैन ये जी चीज़ एक दूजे वाले अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई। ओके बेटा, सो ये थोड़ी लास्ट रह गया थोड़ा ग्रैविटेशन फोर्स, एयर भी ऑब्जेक्ट इन यूनीवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सर्टन फोर्स, हरेक ऑब्जेक्ट यूनीवर्स के एक दूजे वाले अट्रैक्ट होता है कुछ फोर्सिस करके, उस फोर्स में असं ग्रैविटेशन फोर्स बोलते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन एक्ट इवन वैन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कनैक्टड बाय एनी मीन, ग्रैविटेशन फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फोर्सिस। ठीक है, ओके बेटा। हुण एग्जाम्पल, एक बॉय जिहड़ा वो अपने बालकनी तो जिहड़ी बॉल नीचे फेंक रहा है, ठीक है, और वो एक ग्रैविटेशन फोर्स करके ही वो बॉल उपर नूं तां जाएगी नहीं, उपर नूं थोड़ी जाएगी, वो बॉल कित्थे आएगी, नीचे नहीं आएगी, क्योंकि हरेक धरती हरेक चीज़ नूं अपने वल की करती है, खिंचती है। उहदे विच द फोर्स इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ते अर्थ दे विच जिहड़ी अट्रैक्शन हो रही है उसनों असीं फोर्स ऑफ ग्रैविटी बोलते हैं। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टूवर्ड द अर्थ बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स दैम, अर्थ हरेक चीज़ में अपने अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रैविटी, ठीक है, और ग्रैव। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इतने तक थोड़ा कंप्लीट हो, नैक्सट असी प्रेशर्स वगैरह पढ़ांगे। ओके बेटा, इतों स्टार्ट करांगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। ये तुसी चैप्टर चंगी तरह पढ़ो विद एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ ना रिलेटेड थोड़ा चैप्टर है। ओके जी, सो थैंक यू बेटा।